खरगोन के अंजुमन नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों को पता चला कि उनकी कमाई का पैसा बैंक कर्मचारी लेकर फरार हो गए। मामला अंजुमन नगर में संचालित हो रही विजन साख सहकारिता नामक बैंक में लोगों की कमाई का पैसा विगत 3 वर्षों से बूंद बूंद जमा योजना चलाकर जमा किया जा रहा था। उस संस्था के कर्मचारी घर घर जाकर पैसा जमा करते थे। आज जब लोगों ने अपना पैसा वापस मांगने बैंक पहुंचे तो पता चला कि कोई जवाबदार व्यक्ति वहां मौजूद ही नहीं है। बैंक से पूछने पर बताया गया कि अधिकारी देहरादून गए हैं, उनके आने के बाद ही पैसा वापस लिया जाएगा। खातेदारों ने आरोप लगाया है कि बैंक कर्मचारी हमारी मेहनत की कमाई लेकर फरार हो गए, हमें झूठा दिलासा दिया जा रहा है। वहीं जब मकान मालिक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेरे घर में संस्था विगत 2-3 वर्षों से संचालित हो रही है, इन लोगों को ना ही जानता ना ही मैंने पुलिस वेरिफिकेशन कराया है, इसमें मेरी कोई गलती ही नहीं है, मैंने बस मकान किराए से दिया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये फ्रॉड बता रहे हैं, ऐसे कंपनी भग गई है, रात को पता चला कि सब लोग ऐसे फरार हो गए जो कंपनी के अंदर काम करते थे, मैनेजर वगैरह, और एक जो बंदा हमारे पास पेमेंट लेने आता था उसका नाम तो मेरे को नहीं ध्यान है, लेकिन वो बंदा मेरे को बोलता है कि मेरे को नहीं पता है, मैं आज ही रिजाइन कर दिया है, और 2 दिन पहले मेरे से पैसे लेके जा रहा था 2 दिन से, और कल रात को पूछा तो क्योंकि मेरे ने रिजाइन कर रखा है। अभी आप यहाँ पे आए तो क्या मामला हुआ? यहाँ पे आए तो पता चला कि यहाँ पे आज तो कोई भी नहीं है घर अंदर, कोई कर्मचारी नहीं है, उनसे पूछता था कि आपका पैसा सेफ है, आगे की राजस्थान बता रहे कि वहाँ पे पेमेंट अभी आया नहीं है, आप लोगों का बड़ी ब्रांच में पैसा चला गया, वहाँ पे आएगा पैसा हम देते जाएंगे, लेकिन कोई उसका कोई प्रूफ तो बता ही नहीं रहा कि क्या है, कैसे क्या मिलेगा हमको, कोई समय नहीं दे रहा हमको। ये मकान आपका है, किराए पे दिया आपने, क्या चलाने के लिए दिया था आपने? ये व्यवसायिक लिखा है उसमें बेस्ट इन्वेस्टमेंट सुखी जीवन की शुरुआत लिखा है। सही, लोगों की जान तो दुखी में हो गई सब, इतने सारे लोग आए, तो मैं खुद तकलीफ में हूँ क्योंकि लोग मेरे से आते हैं, आप लोग आए, मेरे खुद तो अच्छा लग रहा है, मेरा परिवार में घबरा दिया। नहीं तो अपने जान पहचान के अपन ने कम से कम देखना पालना चाहिए, इसको किराए पे देते हैं। वो तारक भाई है, खरगोन का है वो, कौन तारक? तारक भाई है। आपने एक मकान किराए से इनको दिया था, पुलिस वेरिफिकेशन करवाया क्या? मैंने सिर्फ नोटरी करवाई थी, 2 साल हो गए। पुलिस को कोई सूचना वगैरह इसकी देने की? देना था, इसी बीच में चले गए लोग। नहीं क्योंकि अभी मियाँ कितने साल से दे रखा है इनको आपने? 2 साल। 2 साल में आपने तो आपने वेरीफाई क्यों नहीं किया? वेरीफाई मैंने करवाई है अभी को। आप तो पढ़े लिखे शिक्षित हैं और शिक्षक हैं। बुनियादी हुई थी, सुनिए साहब, बुनियादी हुई थी और इस बीच मेरी बात हुई थी तारक भाई से, तो बोले यार ठीक है हम आ रहे हैं, पैसा सबको दे दें। नहीं पर तू यदि मेरे को कहे, मेरा परिवार ऊपर पूरा डरा हुआ है, 3 बार मेरे परिवार टेलीफोन लगा दिया, अब मैं क्या करूँ, मैं मेरी ड्यूटी छोड़ के अभी तक चला। सर आप शिक्षक हैं, आपने 2 साल से उसको मकान किराए पे दे रखा, पुलिस को आपने अभी तक सूचना नहीं दी? हाँ तो पूछेगी मेरे से पुलिस, मैं जवाब दूंगा। ठीक सर, मतलब आप किसी को भी रुकने के लिए शरण दे सकते हैं? आप शरण दे सकते हैं किसी को भी? भाई साहब कोई शरण, ये 2 साल से ये लोग पैसा, अगर कोई असामाजिक तत्व आपके मकान में आके रहने लग जाता है इस प्रकार से? कोई असामाजिक तत्व नहीं है, वो लोगों ने वैसे पैसा लेके चलेगा, ये लोग आज करें इतने दिन चलो बाद में बात कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। यूं तो स्कूलें बहुत